रहे थे। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव से ही जुड़ी बड़ी खबर, इसे लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। हर पार्टी गुजरात में काबिज होने की पुरजोर कोशिश कर रही है। वही बीजेपी 2017 विधानसभा चुनाव के बाद हुए नुकसान के बाद अब डैमेज कंट्रोल में भी जुट गई है। बीजेपी गुजरात विधानसभा की 32 सीटों पर बड़े चेहरों को उतारने की तैयारी में है, क्योंकि 32 सीटों पर बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है। डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी ने 7 बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। बीजेपी उत्तरी गुजरात से पुरुषोत्तम रूपाला, सौराष्ट्र से मनसुख मांडविया और विजय रूपाणी, दक्षिण गुजरात से सीआर पाटिल हैं, वहीं मध्य गुजरात से हर्ष सांघवी और अहमदाबाद से प्रदीप सिंह वाघेला को मैदान में उतारने की तैयारी है। वहीं 16 नवंबर को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपना नामांकन भी दाखिल कर देंगे और नामांकन के दौरान अमित शाह समेत शीर्ष नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। तो भूपेंद्र, जो प्लानिंग है बीजेपी की कि पूरे गुजरात में जो बड़े चेहरे हैं उसे एस्टैब्लिश किया जाए और इसका फायदा आसपास की सीटों पर भी मिलेगा, शायद यही रणनीति है? बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ा चेहरा, अगर जैसे मैं गुजरात की अगर बात करूं तो गुजरात 4 जोन में बटा हुआ है, जिसमें सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात और उत्तर गुजरात, इस तरह से 4 जोन में बटा हुआ है। और जब कोई इस तरह का बड़ा चेहरा एक जोन में आ जाता है तो उसके प्रचार का, उसकी मौजूदगी का असर आसपास की तमाम सीटों पर देखने को मिलता है और यही रणनीति बीजेपी ने अपनाई हुई है, क्योंकि 27 साल से बीजेपी सत्ता में है। जाहिर सी बात है, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है या फिर लोक परिवर्तन की बात जिस तरह से दूसरी पार्टियां कर रही हैं, इस बार आप पार्टी भी पूरी ताकत के साथ पिछले कई महीनों से प्रचार में जुटी हुई है। खुद केजरीवाल लगातार गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस भी अपनी तरीके से, अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक जो है वह प्रचार कर रही है। उसकी अपनी रणनीति के तहत उसने पुराने चेहरों को ही इस बार ज़्यादा तवज्जो दी है, मैदान में उतारा हुआ है, जो उनके पुराने लड़वैया हैं उन्हीं पर ही भरोसा जताया हुआ है। तो ऐसे में बीजेपी भी अलग अलग रणनीति अपना रही है, जिसके तहत उन्होंने, चाहे पेज प्रमुख की बात हो, चाहे पन्ना समिति की मैं बात करूं जो उन्होंने इस बार बनाई है, जिसमें अमल लगाया है कि एक पन्ना समिति जो है वो एक परिवार का 2 वोट जरूर लेकर आएगी। और इसी रणनीति के तहत अब ये 7 बड़े चेहरे मैदान में उतारने की बात हो रही है, जो बहुत नामी गिरामी चेहरे हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं, जो केंद्र में, केंद्र की सत्ता में भी अपना दमखम दिखा चुके हैं। तो वो चेहरे गुजरात की राजनीति में कितना ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, उनका, उनकी मौजूदगी किस तरह से यहाँ प्रभाव डालेगी, ये तमाम चीज़ें जो है वो फिलहाल बीजेपी की रणनीति के तहत का एक हिस्सा है। क्योंकि अगर कोई बड़ा चेहरा आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि आसपास उसकी चर्चा शुरू हो जाती है, उनकी जनसभाएं होती हैं या फिर उनका अपना प्रचार का तरीका होता है और वो लोगों से कनेक्टेड होते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन होता है लोगों के साथ में। तो ये एक बहुत कारगर कह सकते हैं रणनीति होती है जो बीजेपी अपना रही है। और जैसे जैसे और दिन बीतते जाएंगे, नए नए दांव पर इस तमाम राजनीतिक पार्टियों के हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसके तहत चाहे वो मैनिफेस्टो को लेकर हम बात करें, चाहे उनके प्रचार के तरीके के लेकर बात करें, चाहे वो अन्य उम्मीदवारों को लेकर हम बात करें, कई बार जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, जो डमी उम्मीदवार होते हैं, जो सेम नाम के, एक ही नाम के कई उम्मीदवारों को मैदान में उतार, ऐसी कई रणनीतियाँ जो हैं वो चुनावी दांव पर जो है वो इलेक्शन में खेले जाते हैं। तो फिलहाल जो बीजेपी ने रणनीति अपनाई हुई है इन 7 बड़े चेहरों को उतारने की, जाहिर सी बात है ये एक बड़ा दांव है बीजेपी का। जैसा कि कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक दांव अपने उम्मीदवार, सीएम कैंडिडेट के नाम के उम्मीदवार की घोषणा करते हुए खेला, वहीं कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में जिस तरह से कई तरह के वादे किए हैं, तमाम चीज़ों को अपने उसके अंदर सम्मिलित किया हुआ है, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, या फिर किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, तमाम चीज़ों का उन्होंने अंदर समावेश करने की कोशिश की। ऐसे में बीजेपी ने अभी अपना संकल्प पत्र तो नहीं, घोषणा पत्र तो जारी नहीं किया है, लेकिन फिलहाल जो चुनावी जंग का मैदान है उसमें जो उनके योद्धा उतरेंगे वो कैसे होंगे, एक स्टार प्रचारकों की भी लंबी फहरिस्त जो है वो बीजेपी ने बनाई हुई है, जिसके अंदर तमाम राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनके जो स्टार फेसिस हैं, मनोज तिवारी हैं, निरहुआ हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, चाहे वो केरल के हों या फिर दक्षिण गुजरात के, दक्षिण भारत के हों या फिर उत्तर गुजरात, उत्तर भारत के हों, तमाम लोगों के, आज केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर हैं। तो ऐसे तमाम जनप्रतिनिधियों को भी यहाँ पर लाया जा रहा है, जिससे जो भी कास्ट है, जो भी समाज है, उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाए, उसको किस तरह से प्रभावित करके उसका वोट जो है अपने पाले में लाया जाए, ये पूरी रणनीति बीजेपी बहुत सालों से करती आई है और इस बार भी इसी तरह की रणनीति बीजेपी ने अपनाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, भूपेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। तो लगातार गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई जो बड़ी